हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ले रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर नहीं दी गई है और हमें फिगर बनानी है। मैंने बोर्ड पर फिगर बना दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी फिगर कैसे बनी। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया है ABC। इस पर हमने B और C से दो एल्टीट्यूड्स डालने हैं, जो कि मैंने डाल दिए हैं BE और CF। ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए मैंने कट का ये मार्क लगा दिया है, जो ये शो करता है कि ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। एल्टीट्यूड्स एक्चुअली में परपेंडिकुलर्स होते हैं, ये जिस भी साइड पर डाले जाते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो कि मैंने वो भी मार्क कर दिया है। हमें बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई थी। हमें प्रूफ ये करना है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये पहला ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया है जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना हो तो हमें उस ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ता है। तो हम जो ये काम करेंगे वो दो साइड्स को इक्वल दिखाने का करेंगे। आइए हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कौन से दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट लेने हैं वो हम लिख देते हैं। हम यहाँ प्रूफ डाल रहे हैं हेडिंग, और हमें अब जो दो ट्राइंगल्स लेने हैं वो हम नीचे के दो ले रहे हैं, यानी कि बी ई सी, तभी यहाँ पर RHS लग पाएगी। बी ई सी हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई सी एंड, और जो दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं वो है सी एफ बी, ठीक है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन इक्वल पार्ट्स की जरूरत रहती है। हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, उसी को ध्यान में रखकर हमें ये क्वेश्चन करना है। हम इस ट्राइंगल के अंदर आने वाले इस एंगल को 1 मार्क कर रहे हैं और इस ट्राइंगल के अंदर आने वाले इस एंगल को 2 मार्क कर रहे हैं। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90-90 के हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो ये एक पार्ट हमारा खत्म। दूसरे पे आते हैं। आप ध्यान से देखिए, जब हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो BC आएगा, जब हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो CB आएगा। दोनों में कॉमन है, ऑर्डर अलग रहेगा BC और CB। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो भी बेस की ये साइड आती है, जब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो भी बेस की ये वाली साइड आती है, तो ये कॉमन मानी जाएगी। तो ये दूसरा पार्ट भी आ गया है हमारे पास। तीसरा पार्ट, हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। अब एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं बट इस ट्राइंगल के अंदर, बी ई सी ट्राइंगल के अंदर, ये एल्टीट्यूड इसकी साइड बन जाती है। तो बी ई और सी एफ ये इस ट्राइंगल की साइड है और ये आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसको हम लिखेंगे गिवन। तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद हमें रीजन देना पड़ेगा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि कॉमन थी, और एक हमने साइड ले ली। तो RHS से ही हमें करने को बोला गया था, हमने RHS से ही किया है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हमने जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें इसके CTCT में क्या करना है। हम इस ट्राइंगल की जब हम बात करें BEC ट्राइंगल में, ये वाला एंगल जो मैं मार्क करी ये इक्वल लेना है, इसको लिखेंगे BCE, एंगल BCE। जब हम इस ट्राइंगल में होंगे तो इसका नाम लिखेंगे CBF, ये मैंने यहाँ मार्क भी कर दिया है CBF बाय CPCT, ठीक है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमने एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट इक्वल करी है। एंगल इक्वल इसलिए करें क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हों तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो
तो हमारे लिए इस एंगल के ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब सामने वाला, इस पूरे एंगल के सामने की साइड देखें तो ए बी है और इस एंगल के ऑपोजिट देखें तो ए सी है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफोर ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन क्या देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, एंगल्स इक्वल थे तो उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल हैं। और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कह देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, इस क्वेश्चन में नया यही था कि हमें पहले से ही बता दिया गया था कि हमें कौन सी कॉन्ग्रेंसी का इस्तेमाल करना है, उसी कॉन्ग्रेंसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया है। तो नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।